So hello students, our next topic is e-commerce practices. तो so, e, सबसे पहले तो ई e कॉमर्स होता क्या है ई कॉमर्स मीनिंग डूइंग बिजनेसिस ओवर इंटरनेट इंटरनेट के ऊपर जो भी बिजनेस होता है चाहे वो बाइंग uh, का हो या सेलिंग का हो ऑनलाइन जो भी प्रोडक्ट्स uh, खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं दैट्स कॉल्ड ई कॉमर्स सो ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द परचेजिंग सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स ई कॉमर्स डज नॉट ओनली रेफर टू सेलिंग ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट्स बट इट कैन ऑल्सो रेफर टू सेलिंग ऑफ सर्विसज where payments for the services are made online. ई कॉमर्स कैन वी ब्रोकन इं टू फोर मेन कैटेगरीज दैट इज़ बी टू बी बी टू सी सी टू बी एंड सी टू सी सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ़ दिस चैप्टर ऑल्सो सो ई कॉमर्स जो है वो हमेशा हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ हम फिजिकल प्रोडक्ट्स ही इसमें बेचेंगे या खरीदेंगे हम अपनी सर्विसेज भी यहाँ पे कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हैं या कोई भी कस्टम सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन हम परचेज कर सकते हैं ले सकते हैं सर्विसेज को सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस अब इसमें क्या होता है इसमें कंज्यूमर जो है वो इंक्लूड नहीं होता है कंपनीज जो बिजनेस करती हैं वो आपस में करती हैं जैसे मैन्युफैक्चरर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करेंगे और होलसेलर्स को सेल करेंगे और होलसेलर्स जो है वो रिटेलर्स को सेल करेंगे सो प्राइजिंग इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर एंड इज ऑफन नेगोशिएबल सो हमेशा जो क्वांटिटी डिपेंड करती है वो कितना ऑर्डर जा रहा है उस हिसाब से डिपेंड करती है तो बिज़नेस टू बिजनेस में कंज्यूमर नहीं आता है बिज़नेस टू बिजनेस में सिर्फ कंपनीज़ आपस में काम करती हैं मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो रिटेलर्स होल सेलर्स को सेल करते हैं और वो आगे रिटेलर्स को सेल करते हैं आगे आता है बी टू सी बिजनेस टू कंज्यूमर अब यहाँ पे आता है कि बिज़नेस यहाँ पे कंज्यूमर इंक्लूड हो जाता है बिज़नेस से डायरेक्ट कंज्यूमर को जाता है जो भी प्रोडक्ट है सो बिजनेस इज सेलिंग टू द जनरल पब्लिक टिपिकली थ्रू कैटेलॉग यूटिलाइजिंग शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर द मेजार्टी ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट ऑन द इंटरनेट आर रिटेल स्टोर्स सेलिंग प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द पब्लिक तो जितना भी हमारा ये हम देखते हैं अमेजन है फ्लिपकार्ट है जेबोंग है या जितनी भी हमारी सोशल साइट्स है, हैं वो बिजनेस टू कंज्यूमर हैं डायरेक्टली ठीक है वहाँ पे जो है वो डायरेक्ट विदाउट एनी बीच में कोई भी मिडल मैन नहीं होके वो डायरेक्ट वो कंज्यूमर को सेल करती हैं अपनी सर्विसेज या अपने गुड्स को नेक्स्ट इज कंज्यूमर टू बिजनेस कंज्यूमर टू बिजनेस ये है कि कंज्यूमर अपना कोई प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन पोस्ट करता है या अपना प्रोजेक्ट है या कोई प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन पोस्ट करेगा और अपना बजट सेट करेगा और फिर कंपनीज उसको रिव्यू देती हैं या बताती हैं कि आपका प्रोडक्ट बिकने लायक है या नहीं है या बिड कितनी लगी है कितनी बोली लगी है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर सो कंज्यूमर रिव्यू करता है उस बिड को और सेलेक्ट करता है कंपनी की कौन सी कंपनी वो चूज़ करेगा अपने प्रोजेक्ट को या अपनी प्रोडक्ट uh, को सेल करने के लिए तो यहाँ उल्टा है कंज्यूमर किसी कंपनी को सेल करता है अपने प्रोडक्ट नेक्स्ट आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो क्लासीफाइड फ्री ऑफर करती हैं ऑप्शन ऑफर करती, है, कर, करती हैं फॉरम्स कर ऑफर करती हैं जहाँ पे इंडिविजुअल्स यानी कि कंज्यूमर अपने आप ही अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं और औरों की चीज़ों को खरीद सकते हैं किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं है तो ये वेबसाइट्स आती हैं आपकी क्विकर या ओ जैसी वेबसाइट्स सो so, चार तरह के ई कमर्स प्रैक्टिस आती हैं बी टू बी वी टू सी सी टू बी और सी टू सी सो ई कॉमर्स प्रोवाइड्स फॉलोइंग फ़ीचर्स क्या क्या फीचर्स आते हैं ई e कॉमर्स के सबसे पहले आती है नॉन कैश पेमेंट नॉन कैश पेमेंट का मतलब है कि ई e कॉमर्स में हम अपने क्रेडिट कार्ड्स डेबिट कार्ड स्मार्ट कार्ड्स नेट बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र्स जितने भी मीडियम्स हैं जहाँ पे कैश नहीं यूज़ होता है वो सब हम यूज़ uh, कर सकते हैं आगे है ट्वेंटी फोर इंटू सेवन सर्विस अवेलेबिलिटी कि हम uh, दिन में किसी भी टाइम पे कभी भी एनी टाइम एनी वेयर इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं यूज कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग इट मीन्स दैट ई कॉमर्स इंक्रीजेज द रीच ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ बिजनेस इट है इन बेटर मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सो ई कॉमर्स इज अ प्लेटफॉर्म बाय विच द गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मार्केटाइज और एडवर्टाइज वेरी इजिली सो इम्प्रूव सेल्स का मतलब है कि ई कॉमर्स की हेल्प से हम किसी भी प्रोडक्ट को का ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं आप किसी भी प्रोडक्ट को हम ऑर्डर कर सकते हैं कहीं भी हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है हम ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहें तो हम खरीद सकते हैं सपोर्ट सपोर्ट ई कमर्स प्रोवाइड्स वेरियस वेज टू प्रोवाइड प्री सेल्स एंड पोस्ट सेल असिस्टेंस टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू कस्टमर्स सो ई कॉमर्स की हेल्प से हमें ख़रीदने से पहले और ख़रीदने के बाद दोनों तरह की सपोर्ट जो है वो मिलती है ई कमर्स के केस में अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो हमें उसके सारे डिस्क्रिप्शन उसकी मिलती है और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि उसके रिव्यूज़ कैसे हैं उस प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट के और साथ में उसको खरीदने के बाद भी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आपको रिटर्न करना है या जो भी आपको उसके रिलेटेड प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उनको उसके लिए आपको कस्टमर सपोर्ट जो है वो ई e कमर्स में मिलती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है कि प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स उनकी मैनेजमेंट ठीक है वो अपने आप ई e कॉमर्स की हेल्प से जो है वो ऑटोमेटिक uh, हो जाती है कितने प्रोडक्ट्स बेचे गए कितने खरीदे गए Uh, कितने प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टॉक में हैं कौन कौन चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक है तो ये सारी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली जनरेट की जा सकती हैं तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाता है इन केस ऑफ ई कॉमर्स कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट ई कॉमर्स जो है वो फास्टर एफिशिएंट वेरिएबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है कस्टमर्स और अपने पार्टनर्स के बीच में सो ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई e कॉमर्स के कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे दिए हैं सो ट्रेडिशनल कॉमर्स नॉर्मल कॉमर्स जो होता है नॉर्मल व्यापार जब आप किसी शॉप में जाते हो चीज़ें खरीदते हो दैट इज़ ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स ऑनलाइन जो कॉमर्स रहते हैं ऑनलाइन व्यापार जो होता है उसको ई e कॉमर्स बोलेंगे इंटरनेट के ऊपर जो भी हम चीज़ें खरीदते हैं सो so, अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो पर्सन टू तो पर्सन बहुत सारी डिपेंडेंसी रहती है आपको एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है उस केस में तो ऑब्वियसली आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा सामने वाले के साथ कि क्या चीज़ वो बेच रहा है और आप क्या चीज़ खरीद रहे हो तो पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें रिक्वायर्ड होती है आपको इन केस ऑफ ई कमर्स पर्सन टू पर्सन जो भी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है वो बहुत कम है आपको हर चीज़ ऑनलाइन हर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है जो दूसरा केस है ई e कमर्स का वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली हैंडल करते हैं कि कम्युनिकेशन जो भी पर्सन को चाहिए या फिर जो भी ट्रांजेक्शन होनी है वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली हैंडल होती हैं थर्ड वन इज़ कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं मेंटेन की जा सकती ट्रेडिशनल कमर्स में आपको हर कस्टमर के साथ डिफरेंट तरीके से डील करना पड़ता है आपको उस कस्टमर के लेवल पे डील करना पड़ता है लेकिन ई e कमर्स के केस में क्या होता है कि एक सेम स्ट्रेटजी जो है वो मेंटेन की जाती है सबको एक ही जैसी स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है कम्युनिकेशन ऑफ़ बिजनेस डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल स्किल्स ठीक है अब बिजनेस करने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है इंडिविजुअल की स्किल पर डिपेंड करता है किसका बिजनेस कैसा है कौन अपने बिजनेस को कैसे तरीके से रन करता है ई e कमर्स और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के केस में कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है कोई स्किल्स की जरूरत नहीं है सिर्फ वेबसाइट्स वर्क करती हैं अन अवेलेबिलिटी ऑफ अ यूनिफाम प्लेटफॉर्म एज ट्रेडिशनल कमर्स डिपेंड्स हैविली ऑन पर्सनल कम्युनिकेशन सो एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म नहीं मैंटेन किया जा सकता ट्रेडिशनल कमर्स के केस में क्योंकि एक पर्सन की कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर कैसे कम्युनिकेट कर रहा है और बिजनेसमैन कैसे कम्युनिकेट कर रहा है तो उसी के ऊपर जो है वो पता चलता है कि किस तरह से डीलिंग की जाएगी लेकिन ई कॉमर्स केस में वेबसाइट सेम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं यूज़र को तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही प्लेस पर प्रोवाइड होती है सो नेक्स्ट इज नो यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एज इट डिपेंड्स हैविली ऑन द पर्सन कम्युनिकेशन द सेम थिंग की यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म नहीं है पर्सन की कम्युनिकेशन पर टोटली डिपेंड करता है ई e कॉमर्स के केस में यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है ठीक है अक्रॉस द ग्लोब सेम प्लेटफॉर्म रहेगा कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती तो सेम केस है ई e कॉमर्स uh, में सेम चीज़ है जो ऊपर आपने पढ़ी है ठीक है सो so एडवांटेजेस क्या है ई e कॉमर्स की तो ई e कॉमर्स के फीचर्स और एडवांटेजेस ऑलमोस्ट सेम ही हैं सो एडवांटेजेस रहती हैं ई कॉमर्स की कि सर प्रोडक्ट आपके फिंगर टिप्स पे है इंटरनेट पर आपको प्रोडक्ट का नाम टाइप करो आपको जो भी चाहिए और आपको वो मिल जाएगा प्रोडक्ट उस आपका फेवरेट सर्च इंजन जो है वो उसको फाइंड आउट कर देगा या आप कहीं भी लिखते हो तो आपको वो प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा कि कौन सी साइट पे क्या रेट पे या क्या चार्जेस हैं उस प्रोडक्ट के उस पर अवेलेबल हो जाता है आपको टाइम सेविंग आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको बहुत ही फास्टर बाइंग और सेलिंग प्रोसीजर है नेक्स्ट इज ईज़ी टू कंपेयर अपनी हर आप हर साइट पर कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है या ट्रेडिशनल अगर आप शॉप में जाते हो तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट का रेंज क्या है और ऑनलाइन उस प्रोडक्ट का रेंज क्या है तो कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्रोवाइड करता है बायर्स को वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस अगर आप नॉर्मल अगर ट्रेडिशनल कॉमर्स के केस में देखें तो आप शॉप में जाते हैं चार या पाँच आपको चीज़ें दिखाई देती हैं उसी में से आपको पर्टिकुलर चूज़ करना पड़ता है कई बार आपको पसंद भी नहीं होता तब भी आपको लगता है कि नहीं मतलब ये चार या पाँच के है ऑनली चॉइस फोर और फाइव और टेन सो बट इन द केस ऑफ ई कमर्स वराइटी ऑफिस चॉइसिस आर देर वाइड रेंज होती है आप जो आप उसमें से चूज कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कमर्स कैन ऑल्सो मेक प्रोडक्ट्स एंड सर्विस अवेलेबल इन द रिमोट एरियाज तो इलेक्ट्रॉनिक कमर्स से अब जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो रिमोट एरियाज में भी अवेलेबल हो जाते हैं यू नो वेल लो ऑप्शन ऑपरेशनल कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आपके डिलीवरी चार्जेस काफ़ी कम होते हैं काफ़ी अच्छी सर्विसेज आपको प्रोवाइड हो जाती हैं फिजिकल कंपनी सेटअप करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है आप ऑनलाइन घर पे बैठ के पूरा सेटअप कर सकते हो ईज़ी टू स्टार्ट एंड मैनेज अ बिजनेस ईजी है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना या उसको मैनेज करना ई e कॉमर्स के केस में कस्टमर्स कैन ईजीली सेलेक्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ डिफरेंट प्रोवाइडर्स विदाउट मूविंग अराउंड फिजिकली सो so, आपको कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है आप कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी बैठ के खरीद सकते हो कोई ट्रैवलिंग की कोस्ट नहीं है ट्रैफिक जैम्स नहीं है कार पार्किंग नीड नहीं होगी कोई क्यू में नहीं लगना पड़ेगा चेकआउट नहीं करना पड़ेगा ठीक है आ, तो और वेदर की भी कोई टेंशन नहीं है बारिश है बरसात है गर्मी है कुछ भी है तो यू कैन परचेज एनी थिंग सिटिंग एट होम कन्वीनियट डिलीवरी आपको घर बैठे आपकी चीज़ें जो है अवेलेबल हो जाती हैं ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी ऑनलाइन सर्विसेज के केस में हम पड़ चुके हैं सेम डिसएडवांटेजेस ई कमर्स की हम फिर देखेंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ठीक है अब वही है कि आप जब ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करते हो तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये वेदर जितनी भी साइट्स है वो सर्टिफाइड है सिक्योरिटी चेक है उसमें या नहीं है क्वालिटी ई कमर्स हर चीज़ को इजीली एसेसिबल बना देता है कंज्यूमर को एक्चुअली वो टच एंड फील वाली चीज़ नहीं होती है इसमें आपको नहीं पता चलता है कि जब तक कि आपको वो डिलीवर नहीं हो जाता आपको नहीं मालूम चलता है कि एक्चुअल क्वालिटी कैसी है उस प्रोडक्ट की आपको जो चीज़ें हैं वो ऐट द टाइम नहीं मिल जाती हैं आपको उनके लिए वेट करना पड़ता है डिलीवरी टाइम लगता है उसके लिए नीड एक्सेस टू इंटरनेट आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ई कमर्स ट्रांजैक्शंस करने के लिए कोस्ट आपको अगर आप बिजनेस मैन की नज़र से देखा जाए तो आपको एक वेबसाइट्स बनाने के लिए प्रोफेशनली डिज़ाइन और डेवलप वेबसाइट बनाने के लिए मेंटेन करने के लिए उसको काफ़ी पैसा जो है वो लगाना पड़ता है आपको उसमें स्टाफ चाहिए एक्सपर्ट स्टाफ चाहिए जो मैनेज करके रख सके मेंटेन करके रख सके आपकी वेबसाइट को और वेबसाइट डाउन टाइम कि जैसे ही वेबसाइट सर्वर डाउन होता है तो आप ना कुछ खरीद पाओगे ना कुछ बेच पाओगे तो वेबसाइट अगर डाउन है तो सारी सर्विसेज जो है वो स्टॉप हो जाएंगी पर्सनल टच मींस आप किसी भी प्रोडक्ट या पर्सन के साथ पर्सनली कांटेक्ट में नहीं आ सकते इस केस में ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होता है रिस्क रहता है मनी लूज़ करने का ई e कॉमर्स के केस में शिपिंग चार्जेज या डिलीवरी चार्जेज या शिपिंग डिलेज ये एक मेन डिसएडवाटेज है हम पहले भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं सो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा नेट बैंकिंग का सो वी विल टेक इट नेक्स्ट टाइम थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे